हेलो नमस्कार जय हिंद। बात करने यूपी ट्रिपल एससी भर्ती संबंधित कुछ चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी के लिए महा आंदोलन हम लोग खड़ा करने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी के लिए याचना नहीं अवरोध होगा परीक्षा कराने के लिए, इसके बारे में हम लोग करने वाले हैं। एग्जाम जो है कि एग्जाम कराए, हम लोगों की मुख्य मांग ये होगी कि वो एग्जाम कराए, टाइपिंग कराए, जिसका टाइपिंग है टाइपिंग कराए, रिजल्ट दे समय से और कैलेंडर घोषित करे, यानी कि कौन सा एग्जाम कब कराएगा इसके लिए कैलेंडर घोषित कर दे ताकि बच्चे आश्वस्त रहें। पता चलता है कि फॉर्म भर के और कई कई वर्ष एग्जाम ही नहीं होते हैं, एग्जाम होते हैं तो उसको एक बार शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है पेट के थ्रू, और शॉर्ट लिस्ट करके कुछ दिनों बाद शॉर्ट लिस्ट करके उसका भी कई सालों तक इंतजार कराना पड़ता है। तो इसी के संबंध में हम लोग एक आंदोलन खड़ा करने वाले हैं, लंबी लड़ाई होगी, इसको जीत कर ही अगर खड़ा कर रहे हैं तो इसको जीत कर ही वापस आना है, और कैसे करना है अभी हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम अपने वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं कहते हैं, आगे भी अपनी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन इस वीडियो को कहेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, सभी लोगों को इस मुहिम में जोड़ना जरूरी है, क्योंकि ये मेरे अकेले बस की बात नहीं है, किसी के अकेले बस की बात नहीं है, तो इसलिए सभी लोगों को एक साथ खड़ा होना जरूरी है और सबको खड़ा होना पड़ेगा। और हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी यूपी ट्रिपल एससी के कैंडिडेट हों, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए हों या नहीं भी हो, तो उनके भाई बहन, छोटे भाई बहन, छोटे बड़े भाई बहन या कोई भी उनके मित्र दोस्त जो भी कैंडिडेट होंगे, तो उनके लिए भी आपको खड़े होना जरूरी है और साथ देना जरूरी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी खुद से सुनने वाला नहीं है, खुद से इसके कान पर जू नहीं रंगती है, इनको अध्यक्ष ही नहीं मिल पा रहा है, ये पता नहीं कहां से अध्यक्ष लाएंगे, कैसा अध्यक्ष लाएंगे, इनको कैसा अध्यक्ष चाहिए, इनको अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है, तो जहां से लाएंगे लाए ना, बच्चे क्या बूढ़े हो जाएंगे तब उनका एग्जाम होगा, एक ही बार पेंशन लेने के लिए जाएंगे क्या बच्चे, तो जहां से लाना है अध्यक्ष लाएं, इनको एजेंसी नहीं मिल पा रही है। 50 लाख पुलिस के अभ्यर्थियों को तैयार एग्जाम कराने के लिए इनको एजेंसी मिल गई थी, लेकिन 50,000 अभ्यर्थियों का एग्जाम कराने के लिए, 15,000-20,000 अभ्यर्थियों का टाइपिंग कराने के लिए इनको एजेंसी नहीं मिल रही है, इस प्रकार कैसे होगा, क्या बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, एक ही बार पेंशन लेने जाएंगे क्या। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम तो तुरंत करा दिए, उसके लिए तो एजेंसी मिल गई, क्योंकि कानून का राज पर तो आपका भरोसा नहीं है, आपका एनकाउंटर का जो राज चलाना है, पुलिस नहीं होगी तो एनकाउंटर कैसे होगा, तो एनकाउंटर का राज आपको चलाना है। पुलिस कांस्टेबल के कैंडिडेट भी इसमें शामिल हो, और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इसमें शामिल हो, कल को, आज भले ही नहीं है लेकिन कल को फिर वो यूपी ट्रिपल एससी में आने चाहते हो तो सिस्टम में सुधार होगा, तभी तो आप रहेंगे ना, तो अच्छा रहेगा, तो सभी को जरूरी है इसमें, इस मुहिम में शामिल होना, पूरे सिस्टम को सुधार करना है। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले सरकार को बताना होगा कि हम आपके आयोग के खिलाफ और आपके खिलाफ आ रहे हैं, आप अपने आयोग को अलर्ट कर दीजिए, और नहीं करेंगे तो हम लोग जो है कि इसके संबंध में अपनी आवाज़ उठाएंगे ही। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होगी और उस गांधी जयंती के दिन ही बापू जी को यह बताना होगा, जो ऊपर से स्वर्ग से देख रहे होंगे, उन्हें यह बताना होगा कि आपके सपनों का भारत कैसा, आपने कैसे भारत सपने के भारत सोचा था, यहाँ आपके सपनों के भारत में जो है कि आपके सपनों के भारत में लोग बेरोजगार किस प्रकार से घूम रहे हैं, और एक तरह से लोग बेरोजगार हैं, वो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, आयोग एग्जाम नहीं करा है, दूसरी तरफ इतने कम कर्मचारी हैं काम करने वाले कि वो काम करते करते उनकी डेथ हो जा रही है, इतना दबाव हो रहा है, काम के दबाव में एक साइड से मर रहे हैं लोग कर्मचारी, और दूसरी साइड से कर्मचारियों की कमी के बावजूद भी एग्जाम नहीं करा रहा आयोग। तो बापू के सपनों के भारत के संबंध में बापू को बताना जरूरी होगा, तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती को ही 8 बजे ट्विटर पर ट्रेंड कराना है, हम सबको मिलकर 2 अक्टूबर को 8 बजे ट्विटर पर ट्रेंड कराना है, जिसमें टैग करना है सीएमओ ऑफिस को, योगी आदित्यनाथ को टैग करना है, अखिलेश यादव को टैग करना है, समाजवादी पार्टी पीएमओ इंडिया और नरेंद्र मोदी को टैग करना है। इन सबको टैग करते हुए आपको हैशटैग यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम कराओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम कराओ ट्वीट करना है, ट्विटर से आपको ट्रेंड कराना है, यानी जिसे एक्स कहते हैं, ट्विटर या एक्स बोले एक ही बात है, तो एक्स पर या ट्विटर पर ट्रेंड करना है 2 अक्टूबर को सुबह 8 बजे गांधी जयंती के दिन। बापू को भी बताना होगा कि हम लोग किस परिस्थितियों में जी रहे हैं, हम लोग बेरोजगार लोग कैसे हैं, कुछ सपने इस प्रकार टूट रहे हैं कि अपने भाई बहन की शादी करनी है, वो इस स्थिति में जी रहे हैं कि उनको एक एक पैसे के लिए जो है कि तरसना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में लोग जी रहे हैं बेरोजगारी की इस दशा में, कैंडिडेट्स लाइफ का जो जीवन है, लेकिन आयोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एग्जाम नहीं कराते हैं, अरे एग्जाम तो कराओ, कौन आपसे नौकरी मांग रहा है, लेकिन जो नौकरी है जो पोस्ट है उस पर एग्जाम तो कराओ, आपने ही कहा है ना कितने पोस्ट खाली है, तभी तो आपने नोटिफिकेशन दिया है, और आपने कहा है कितनी पोस्ट खाली है, नोटिफिकेशन आपने दिया है, तो उस पर एग्जाम कराने में आपको क्या समस्या है, आप क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो एजेंसी,
आपको जिसके माध्यम से एनकाउंटर कराना है उसके माध्यम से, तो उसके लिए तो एजेंसी तुरंत मिल जा रही है, उसके लिए तो दो बार एग्जाम आपने करा दिया। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के बच्चों के लिए आपको एजेंसी नहीं मिल रही है, क्योंकि आपको कानून के राज पर भरोसा नहीं है। क्या एनकाउंटर का राज चलाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? ऐसे नहीं चलेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप यूपी ट्रिपल एससी के कैंडिडेट्स हैं अथवा नहीं है, अहम सबकी मुहिम है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में सुधार होगा तो बेनिफिट सबका होगा, लाभ हम सबका होगा। इसलिए सबको जरूरी है कि सब इस मुहिम से जुड़े और इसमें सहयोग करें। सहयोग मतलब रुपए पैसे का सहयोग नहीं करना है किसी को भी, बस साथ में जुड़ना है और साथ में जुड़ करके सरकार को बताना है कि हम आपके विरोध में, आपके आयोग के विरोध में खड़े होने वाले हैं, सुधार लीजिए आप अपने आयोग को। अगर सुधार लेता है तो अच्छी बात है, और नहीं सुधार लेता है तो सिर्फ डिजिटल से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ट्रेंड कराने से काम नहीं चलेगा। हम लोग जो है कि फिजिकल रूप में भी उतरेंगे, आयोग के और सरकार के विरुद्ध में फिजिकल रूप में भी उतरेंगे। परीक्षा आपको कराना होगा, इसलिए परीक्षा कराना होगा, और आज नहीं तो कल आप कराएंगे ही, इसलिए समय से करा दीजिए। किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, किसी माँ बाप का सपने को मत तोड़िए। वो बच्चा इतना ना परेशान हो जाए कि उसके अंदर एबिलिटी काबिलियत होते हुए भी जाकर फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़े, और एक बार वो फैक्ट्री में निकल गया तो दोबारा इस लाइन में नहीं आ सकता है। सपने सब चकनाचूर हो जाएंगे उसके भी और उसके माँ बाप के भी। तो ऐसा मत कीजिए। हम सभी मिलकर आपको एक बार अलर्ट कर रहे हैं, सिस्टम को अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए 2 अक्टूबर को टेट अटेंड कराएंगे, उसके बाद अलर्ट हो जाइए। हम लोगों का, सभी लोगों का आप रिक्वेस्ट है आपसे, यही आयोग से और सरकार से, कि अलर्ट हो जाइए। हमारी मांग जो है, जो जेन्युइन मांग है, उसी को कराइए, हमारा एग्जाम ही कराइए। हम नहीं कह रहे हैं कि हम लोगों को नौकरी दीजिए, हम लोग काबिल होंगे तो नौकरी दीजिएगा, नहीं होंगे मत दीजिएगा। जो काबिल होंगे उनको तो नौकरी देंगे ना, आप एग्जाम तो कराएंगे तभी तो पता चलेगा कौन काबिल कौन नहीं है ना। स्वच्छतापूर्वक एग्जाम कराइए। मैं नहीं कहता हूं कि मेरी किसी वीडियो को शेयर कीजिए, आगे भी नहीं कहने वाला हूं, लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों की रीच बन जाए और सभी बच्चे एक साथ जुड़कर इस मुहिम से में शामिल हो सके। और सभी बच्चे जो एक साथ नहीं जुड़ेंगे तो सिर्फ कुछ लोग मिलकर, 2-4-10 लोग मिलकर इसे हम लोग नहीं जीत सकते। इसे जीतने के लिए जरूरी है कि सभी बच्चों का सहयोग मिले, डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट से सभी बच्चों का सहयोग मिले। तो हम अपेक्षा करते हैं कि हम सबकी लड़ाई है, किसी एक की लड़ाई नहीं है। और आप भले ही यूपी ट्रिपल एससी के कैंडिडेट वर्तमान में हो या ना हो, फिर भी आपकी लड़ाई है, क्योंकि सिस्टम में सुधार लाना है और इस सिस्टम से आगे चलकर आप जुड़ने वाले हैं। तो इसलिए आप सबकी लड़ाई है। सभी लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, सभी लोग तक रीच होनी चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर ही एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक होगा, यूपी ट्रिपल एससी के बेरोजगार, और इस ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएंगे। और इसी ग्रुप के माध्यम से या अन्य ग्रुप भी होंगे तो उसमें भी जुड़ जाएंगे, लेकिन इस ग्रुप में भी जुड़ेंगे। इस ग्रुप के माध्यम से ही सभी लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, एक साथ रहेंगे और इसके संबंध में जानकारियां भी साझा होती रहेगी, और इस मुहिम को हम लोग जो है कि अपने टारगेट तक पहुंचाएंगे। सभी लोग इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर QR कोड भी दिखाया गया है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो एक बार मैं फिर इस बात को रिपीट कर दूं कि EP SSSC एग्जाम कराओ, EP SSSC एग्जाम कराओ। इसके लिए 2 अक्टूबर को सुबह 8 बजे ट्विटर पर ट्रेंड कराना है हम सभी को मिलकर, #CMOOffice, #YogiAdityanath, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, PMO इंडिया, केंद्र तक भी ये बात पहुंचे और पता चले। अगर ऐसे ही चलती रही उत्तर प्रदेश में स्थिति, तो इस बार जो है कि पूरे सिस्टम से बाहर जाने वाले हैं, केंद्र तक भी इस बात का पता चले। दूसरी बात यह है कि पूर्णतः शैक्षिक आंदोलन होगा, किसी प्रकार का राजनीतिक आंदोलन नहीं है। इसलिए कोई भी बच्चा, कोई भी कैंडिडेट्स, कोई भी लोग अगर किसी पार्टी से संबंध रखते हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं होगा। वो सिर्फ शिक्षा से जोड़कर इसे देखेंगे, किसी पार्टी से जोड़कर और क्या किसी पार्टी के विरोध में, अगेंस्ट में इस बात को नहीं देखेंगे। हम लोगों का काम जो काम है, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। CMO ऑफिस को टैग करेंगे, योगी आदित्यनाथ को टैग करेंगे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष को भी टैग करना होगा ताकि विपक्ष जो है कि इस बात को उठाएगा, आवाज उठाएगा, जानकारी होगी विपक्ष की नजरों में। तो अखिलेश यादव को भी और समाजवादी पार्टी को भी टैग करना होगा। इस बात को केंद्र तक भी पहुंच जाए, इसके लिए PMO और नरेंद्र मोदी को भी टैग करना होगा। EP SSSC एग्जाम कराओ को ट्रेंड कराना है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सुबह 8 बजे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। एक बार और कह दे रहा हूं, आगे किसी वीडियो को भले ना शेयर करिएगा, लेकिन इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आगे आपको पसंद ना आए इस वीडियो के कंटेंट, इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद ना आए, तो आगे चलकर
अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा जब ये अपना काम पूरा हो जाएगा यूपी ट्रिपल एससी वाला, तो आगे चलकर अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलहाल सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये हम सबकी लड़ाई है, किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं होगी। ड्रोन जीएस रिसर्च सेंटर और मैं खुद ड्रोन सर इस मुहिम में आपके कंधे से कंधे मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर हर लिमिट तक, हर समय और हर लिमिट तक आपका साथ देंगे। और हमारा सभी कंटेंट क्रिएटर, सभी टीचर से भी हाथ जोड़कर सादर रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम को चलाइए, अपने चैनल पर भी चलाइए, इसमें सहयोग कीजिए। आप लोग बहुत बड़े हैं, हम लोग काफ़ी छोटे हैं, और आपके छोटे भाई, आपके अधीनस्थ, आपके जूनियर के तौर पर हर परिस्थितियों में, हर एक मोड़ पर, हर लिमिट तक आपका साथ देंगे। तो इसलिए सादर रिक्वेस्ट है कि आप इस मुहिम को चलाइए, इसमें सहयोग कीजिए। आप भी बच्चों के लिए काम करते हैं, हम भी बच्चे के लिए काम करते हैं, हम सबका टारगेट सेम है, हम सबका टारगेट है बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुँचाना, और उनकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए बीच में जो भी अड़चने आएंगी उनसे लड़ना तो पड़ेगा। तो इसलिए हमारा सभी टीचर्स से भी सादर रिक्वेस्ट है कि इसे आगे बढ़ाएं प्लीज। बस इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं, आप अपना टारगेट भूल ना जाइएगा, ये हम सबकी लड़ाई है, ये आगे आने वाले भविष्य की भी लड़ाई है। 2 अक्टूबर के महात्मा गांधी जयंती पर बापू को सत सत नमन, लेकिन बापू के जो बेरोजगार हैं, हम लोग जो बेरोजगार हैं बापू के, उसके लिए भी बापू को बताना जरूरी है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और टारगेट याद रखिएगा 2 अक्टूबर सुबह 8 बजे।